वैष्णो देवी में भगदड़ से 11 श्रद्धालुओं की मौत। दर्शन के दौरान धक्का मुक्की होने से हुआ हादसा। नए साल पर दर्शन करने पहुंचे थे श्रद्धालु। देश दुनिया ने किया नए साल 2022 का स्वागत। कहीं रोशनी से जगमगाया आकाश तो कहीं आतिशबाजी कर मनाया गया जश्न। कोरोना के साए में भारत में भी हुआ नए साल का स्वागत। नए साल के पहले दिन देश भर के किसानों को पीएम मोदी देंगे सौगात। करीब 12 करोड़ किसानों के खातों में भेजे जाएंगे 2,000 रुपए। किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज आजम खान के गढ़ में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामपुर को देंगे 95 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। राठौंडा के शिव मंदिर में पूजा करने के बाद करेंगे जनसभा। कन्नौज में इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी। पंपी जैन और फौजाना मलिक के ठिकानों पर हो रही है छानबीन। तो कानपुर में भी देर रात तक चली इनकम टैक्स की रेड। आज से बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 15 से 18 साल के बच्चे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज।